दुनिया भर में कोरोना से मची दहशत खत्म होने वाली है। पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने वाली दवाई बनने वाली है। पूरी दुनिया से खत्म होगा कोरोना, क्योंकि सुपर वैक्सीन बस आने ही वाली है। कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से दुनिया में फैला, उतनी ही तेजी से शुरू हुआ इसे मात देने के लिए वैक्सीन बनाने का काम, और अब वैक्सीन मिलने में बस चंद कदमों का ही फासला बचा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल के नतीजे बहुत सकारात्मक हैं। ये वैक्सीन लोगों को कोरोना के खिलाफ डबल सुरक्षा देने में कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे एंटीबॉडी भी बनती हैं और शरीर में खास तरह के किलर टी सेल भी बनते हैं जो कई वर्षों तक शरीर में रह सकते हैं। Obviously, it's very important for us to know if our vaccine is working and how well it's working and what parts of the population. But any information that we learn about our vaccine, we'll share with other vaccine developers, and it will help them in understanding if their vaccines are likely to be effective as well. We think that if our vaccine works well, others will also, and we will try to help accelerate the progression of other vaccine development. दूसरी तरफ अमेरिका की एक कंपनी कोरोना वैक्सीन बनाने के बहुत नजदीक पहुंच गई है। अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना इंक ने कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल किया है। कोरोना वैक्सीन के पहले दो ट्रायल से वैज्ञानिक खुश हैं। ट्रायल में पता चला कि वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसे ही काम किया जैसा वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। अब कोरोना वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। ये वैक्सीन पूरी तरह से कब तक आ जाएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक इसके परिणाम आ जाएंगे। इस वैक्सीन को बहुत तेजी से विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इस वैक्सीन के दो डोजेस दिए जाएंगे। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत 12 देशों के 150 दावेदार रेस में हैं। इनमें से 3 वैक्सीन काफी एडवांस स्टेज में है। इनमें ऑक्सफोर्ड को छोड़कर बाकी दोनों चीन की है। ये तीनों ही ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने की कड़ी में भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर भी एक एक वैक्सीन विकसित करने में लगी है। ये काम तेजी से हो रहा है। ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा, भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां काफी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। दूसरी तरफ चीन में कोरोना के हॉटस्पॉट न होने के कारण वैक्सीन का ट्रायल करना मुश्किल हो रहा है। दुनिया भर के कई देशों के मना करने के बाद यूएई, कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया और मैक्सिको ने ट्रायल के लिए हामी भरी है। अब चीन घनी आबादी वाले बांग्लादेश में तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारी कर रहा है। चीन 40,000 लोगों पर ट्रायल करना चाहता है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आए और इस महामारी से हम सबको निजात मिल सके। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना